तुझे कल किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं आपके साथ भी उसको शेयर करना चाहता हूं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जैसे आप बैठे हो, मंत्र जाप करते हो, घर में करते हो, कहीं बाहर करते हो, मंदिर में करते हो, तो आपको बहुत आनंद आता है, आप बहुत अच्छी तरह एंजॉय करते हो उस एनर्जी को, उस माँ की शक्ति को, उस यूनिवर्स पावर को फील करते हो। और जैसे ही आप उठते हो तो आपका कनेक्शन उस एनर्जी से टूट जाता है, कभी कभी बना रहता है, कभी कभी टूट जाता है। ये बहुत से लोगों के साथ होता है, जो कभी कभी जो प्राइमरी स्टेज वाले साधक हैं उनके साथ होता है, कभी कभी जिनकी पूरी जिंदगी निकल गई साधना करते उनके साथ भी हो जाता है। मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा जरूर। क्या किया जाए, इसका उपाय क्या किया जाए? इस एनर्जी को जब हमने मंत्र जाप किया, जैसे अभी आदरणीय पंडित जी के साथ, रघुनाथ जी के साथ, आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे का जाप कर रहे थे, तो लगता था कहीं पहुंच गए हम ना। इसी पहुंच को आगे हम बढ़ाते हैं, हम क्लीन इन करेंगे, विरेचन क्रिया जिसको बोलते हैं, फिर और अच्छी पावर को रिसीव करेंगे। और इंसान के पास भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने सबसे अच्छी जो शक्ति दी है, जानवर तो बहुत से ऐसे हैं जो मनुष्य से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, पर हमें जो भगवान ने एक शक्ति दी है, सबसे बड़ी शक्ति दी है, हम उसका अच्छी तरह से सदुपयोग नहीं कर पाते, वो है इमेजिनिंग पावर, कल्पना की शक्ति। आप ना ध्यान से देखो, आज मोबाइल फोन है जिसमें हम पिक्चर भी देखते हैं, न्यूज भी सुनते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, कैमरा भी यूज करते हैं, फोन भी करते हैं। तो पहले, आज से 50 साल पहले तो किसी ने सोचा नहीं होगा, पर किसी व्यक्ति की तो ये कल्पना जरूर होगी, जो कल्पना साकार हो गई। आज जो अच्छे डॉक्टर हैं, मैं तो उनको महापुरुष मानता हूँ, ऋषि समान है, कि वो हार्ट चेंज कर देते हैं आपका ना, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लिवर कर देते हैं, कभी तो उसकी किसी ने कल्पना की होगी। आज जो बच्चे बैठे हैं जहां पे, जहां सुन रहे हैं, तो बेटा आप कल्पना बड़ी करना, बड़ी बात को ही सोचना, जितनी बड़ी बात सोचोगे भगवान आपकी उस बात को पूरा करेगा। आप दूसरों के भले के लिए जो कर सकते हो उसको सोचना। और जैसे ध्यान का एक सिस्टम है कि हमने मंत्र जाप किया, नेगेटिव को ठीक किया, इस पावर को रिसीव किया, फिर मैं आपको कहता हूं कि आप विजुलाइज करो, पिक्चराइज करो। तो आपने पिक्चराइज किया, विजुलाइज किया, उसको कहता हूं प्रेजेंट में फील करो, आप फील करते हो और तब आपको लगता है कि मेरा हो ही गया, और उसके पश्चात भी आप नहीं पहुंच पाते हो, नहीं होता है, और जो करते हैं उनको अच्छा अनुभव होता है। इसके लिए हमें बहुत ध्यान देना है, इसके लिए आज से ही इस चीज को शुरू करेंगे। आज किसी ने, फिर बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे उसने 2 बार पूछा, पहले भी पूछा तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो मुझे लगता है ये समस्या हम सब की है।